नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म और लबास की पाकीज़गी निस्फ ईमान है। तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना इससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाहों के बाद निकी कर लिया करो कि ये निकी उस गुनाह को मिटा देगी। हर चीज़ का फल है और नमाज का फल दुआ है। हमेशा पाक व साफ रहा करो, रिस्क में बरकत होगी। तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और किसी के अहम मालूम करने की कोशिश भी ना करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। जज़ाकअल्लाह।